तो हेलो गाइस, वेलकम। तो गाइस आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है कुछ अलग अलग टाइप से मोटर हैं। तो मैं बता दूं, ये जो किड्स मोटर आप देख पा रहे हैं ये नॉर्मली मोटर है जो कि खिलौना विलौना में इलेक्ट्रॉनिक्स कार में रहता है, ठीक है। और इसका बात करें तो गाइस ये आप देख पा रहे हैं कि इसका जिस दोनों साइड जो है इसका निकला हुआ है लेग, यानी कि दोनों तरफ से आप वार के दोनों तरफ से फैन लगा सकते हो किसी भी टाइप से, या फिर दोनों साइड से आप इसका जो है कुछ कार वार बनाना चाहते हो तो ये मोटर बहुत ही काम आएगा, ठीक है। और इसका बात करें तो आप देख पा रहे हैं ये जो मोटर है कुछ यूनिक लग रहा है। लेकिन गाइस ये जो मोटर है कुछ हाई RPM का, हाई स्पीड का है ये मोटर, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इसका लुक से पता चल रहा है, ठीक है। तो चलिए सबको जो है टेस्ट करने वाले हैं, और ये मैंने टेस्ट अभी तक नहीं किया है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं न्यू है इसका, कोई भी सोल्डिंग वोल्डिंग नहीं की है, ना कनेक्शन ये सब का, सब जो है न्यू मोटर है, ठीक है। और ये सब तो सोल्डिंग करके इसको यूज़ भी किए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं कि इसका स्पीड जो है किस तरह है, ठीक है। ठीक है, तो गाइस चलिए इसका जो है अभी स्पीड चेक करते हैं, ठीक है। तो और तो गाइस आप इसका जो है आवाज़ सुन पा रहे होंगे, नहीं सुन पा रहे तो मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो गाइस ये तो घूम ही नहीं रहा, थोड़ा सा स्पार्क भी नहीं कर रहा। तो गाइस इसका जो है पावर बढ़ा दिए हैं, वोल्टेज 20 कर दिए हैं, अब देखते हैं, ठीक है। तो गाइस फिर भी ये नहीं घूम रहा, पता नहीं क्या हुआ है। कितना हाई स्पीड मोटर था यार। लो कोई बात नहीं, इसे देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। इसे तो साइड में रखते हैं। तो गाइस आप सब ने तो देख ही लिया इसका स्पीड किस तरह है, बहुत से पता चल रहा था। ये थोड़ा जंग लगा हुआ था क्योंकि वाटर में एक्सपेरिमेंट किए थे, पानी में, आपने शॉर्ट वीडियो देखा ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसे रखते हैं साइड पे और इसे जो है देखते हैं इसमें क्या हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ओपन करने के लिए यहाँ पे दोनों साइड हमको निकालना पड़ेगा। गाइस पूरा तो फ्रेश है, कहीं भी कुछ नहीं, और ये ग्रेस फ्रेस लगा हुआ है, ठीक है। ये रहा इसका आर्मेचर। तो गाइस आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है कितना कम वाइंडिंग किया हुआ है ना, इसमें कितना कम वाइंडिंग किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं कितना कितना टर्न लगा हुआ, बहुत ही कम है इसके मामले में। और चलिए इस मोटर का दिखाता हूँ कितना इसमें वाइंडिंग, ठीक है। तो वैसे आप देख पा रहे हैं इस मोटर में भी दिखाता हूँ कि इसका जो है वाइंडिंग किस तरह, ठीक है। तो गाइस दोनों में आप देख पा रहे हैं कुछ तो फर्क है, ठीक है। ये इसका, ठीक है, इसका ये सेम है लेकिन वाइंडिंग जो है थोड़ा कम। ये मोटा वाइंडिंग वायर में है और ये पतला में है, ठीक है। ये मोटा में आप देख पा रहे हैं और ये पतला में है। इसका टर्न ज़्यादा है, इसका टर्न कम है, ठीक है। तो आपने समझ, आपका तो अंदाज़ा लग गया होगा कि ये हाई स्पीड है लेकिन ये घूम क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो चलिए इसका जो है कनेक्शन देखते हैं, कहीं पे कुछ छोटा होगा तो चलिए इसको यहीं से लगा लेते हैं और यहीं पे इसके टच करके देखते हैं कि घूम रहा है कि नहीं, ठीक है। तो गाइस ये जो है घूम ये नहीं रहा है, ठीक है। इसका कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो कोई बात नहीं, इसे जो है फिर से वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। तो इसे चलिए निकाल लेते हैं और इसका जो है कनेक्शन यहाँ से
सही कनेक्शन है, सही कनेक्शन है, सही कनेक्शन है, सब में तो सही कनेक्शन ही है, लेकिन कौन यहाँ ये रहा इसका लेग। चलिए इसे यहाँ से, तो ये कितना थ्रेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी कि 23 टर्न जो है इसमें लगा हुआ था। ठीक है, देख पा रहे ये वायर रेक में जो है 23 टर्न लगा हुआ है, तो सबको जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर से वाइंडिंग करने वाले हैं, पता नहीं इस वायर से क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए इसे जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, तो गाइस मैंने जो है इसका वायर सारा निकाल दिए हैं। ठीक है, अब इस वायर को हटाते हैं। अब इसमें जो है हम कुछ इस तरह का मोटा वायर जो है इसमें कॉपर का है ये इसमें लगाने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कितना टर्न लगता है। ठीक है, तो 20 कम से कम 20 22 20 लगाएंगे, 20 टर्न देखते हैं कितना में ये होता है। ये नहीं कि इसका जो है ओवर कर देंगे, जितना अटैच होगा करते हैं देखते हैं। ठीक है, फिर इसका स्पीड दिखाएंगे आपको कितना है। सबसे पहले इसे वाइंडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो वाइंडिंग करते हैं। चलिए, तो चलिए गाइस इसे टर्न लगाते हैं। ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 6 20। ठीक है, तो गाइस मैंने 20 टर्न इससे लगाए हैं और आप देख पा रहे हैं कि इससे जो है कुछ ज़्यादा। तो गाइस इस तरह से जो है अब हम सब में टर्न लगाएंगे, उसी तरह सेम टर्न लगाना है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, इसको ये फर्स्ट लेग जो है, तो इस कनेक्शन इसका जो है फर्स्ट लेग जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रहा यहाँ पर। अब इसको जो हम ये यहाँ पे लगा हुआ तो इसका जो है सेकेंड वाला अभी है ख़त्म हो गया यहाँ पे राउंड। अब इसको जो है यहाँ पे करेंगे, दूसरे लेग पे करेंगे कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे उतना राउंड लगाएंगे, 1 2 3। तो भाई सब देख पा रही कि इसमें जो कुछ जगह ही नहीं बच रहा, इसमें सब खा गया, फिर भी कोशिश करते हैं। तो गाइस ये जो है 20 राउंड नहीं हो पा रहा, मैं इसे 50 राउंड ही करूँगा। ठीक है, तो गाइस मैंने पर 15 टर्न जो है इसमें लगा दिए। ठीक है, अब देख पा रहे हैं, और ये रहा लेग मेरा पहला वाला और ये रहा लास्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट तुम दोनों को जो है इसी में जो है इस तरह से सोल्डिंग कर देंगे। ठीक है, और ये सब में भी, ठीक है, यहाँ और यहाँ और यहाँ दोनों में। ठीक है, सोल्डिंग करने से पहले जो है आपको यहाँ पे इसका प्रिंट जो है निकाल लेना है कुछ इस तरह से घिस के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका प्रिंट जो है निकाल देता हूँ ताकि हमारा यहाँ पे सोल्डिंग हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए सोल्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसमें सोल्डिंग कर दिए हैं। ठीक है, अब देख पा रहे हैं अब जो इसे सेट करेंगे। ठीक है, जैसा सिंपल उसी तरह अब देख पा रहे गाइस इसका जो मैग्नेट है कितना हाई है, पावर है, ठीक है, इसीलिए ये ज़्यादा स्पीड रनिंग कर रहा है। और फिर इसको लगा देंगे कि आपको उसी तरह। ठीक है, गाइस इसका जो है
अब चेक करते हैं कि ये जो है घूम पाता है कि नहीं, ठीक है, और इसका स्पीड जो है कितना है, हाई है कि कम है, ठीक है। और गाइस आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो है वही जो कि आर्मेचर है जिसको मैंने अभी वाइंडिंग किया, देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और ये रहा मेरा पुराना वाला जो कि जिसमें कम आरपीएम हाई कम स्पीड है। तो चलिए इसे जो है अब चेक करते हैं कि कितना स्पीड घूम रहा है, ठीक है। तो चलिए माइक को भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, देखते हैं इसका स्पीड। ये जो है हीट हो जा रहा है ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है, मोटर हीट नहीं हो रहा है लेकिन जहाँ पे पकड़े हुए हैं वहीं पे हीट हो जा रहा है। और स्पीड भी आप देखें, चलिए और एक बार दिखा देते हैं आपको। तो पकड़े तो जो है ज़्यादा हमें लग रहा है पावर, तो कुछ इस तरह से अभी से चेक करेंगे, ठीक है। तो गाइस आपने देखा किस तरह से जो है इस मोटर डीसी मोटर को वाइंडिंग किया जाता है और कितना मस्त ये घूम रहा है, ठीक है। और गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।